हेलो जी, होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी ठीक ठाक चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता ही है, 25th को आपका एग्जाम है मेंस का, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके पास बहुत ही वास्ट सिलेबस है बायोटेक्नोलॉजी का, 10 यूनिट का, और आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, क्या करें जिससे कि आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और इस टाइम पे आपके माइंड का जो कंडीशन है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। आपको लग रहा होगा कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इम्यूनोलॉजी छूट रहा है, इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक्स छूट रहा है, तो ये सारी स्थिति बनी रहती है ऐसे एग्जाम के टाइम पे। तो राइट नाउ अभी आपको जरूरत है बहुत ही स्टेबल होकर के, अपने आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके, फोकस्ड होकर के टाइम को यूटिलाइज करने का, बजाय इसके कि आप उससे से सोचते रहें और टाइम आपका वेस्ट होता रहे और ऐसे प्रेशर आपको डे बाई डे क्या होगा बढ़ता ही जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत ही क्रूशियल टाइम बचा हुआ है और उस टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करके यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में आप हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, मॉडल क्वेश्चंस के साथ साथ में आपके उनके आंसर्स के टेम्पलेट भी प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि आपको इस वाले क्वेश्चंस के लिए कैसे राइटअप करना है और क्या क्या हेडिंग और सब हेडिंग हो सकती हैं। होपफुली कि प्रीवियस वाला जो वीडियो में हमने बात किया था बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस को, उसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, राइट अप करके देखा होगा कि हाँ आप कितना लिख पाते हैं और आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपका इम्यूनोलॉजी का है, और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ओके, सो सीपीटीएम मीन्स बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, मीन्स बायोकेमिस्ट्री जो भी मीन्स लिखने जा रहे हैं और बायोटेक्स जो लिखने जा रहे हैं, वो दोनों लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, बिकॉज इम्यूनोलॉजी दोनों लोगों में ही है। तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इम्यून टॉलरेंस एंड इट इज बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर द इंडिविजुअल्स, जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल स्टेटमेंट। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इम्यून टॉलरेंस से आप क्या समझते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है और कैसे आप ये बताएंगे, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए इम्यून टॉलरेंस जो है वो ठीक है, मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सही है, बेनिफिशियल है, हार्मफुल है, इसको अपने स्टेटमेंट देकर के आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर्स को। सो बड़ा ही अच्छा सा सवाल है और इसमें आपके क्या 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 पॉसिबल हेडिंग्स बन पाएंगे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ और आपको उसमें अपने स्टेटमेंट लिखना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यून टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा आपको अपने अपने मॉडल आंसर्स में ये पहला हेडिंग आपको डालना पड़ेगा, राइट, कि मतलब आप इम्यून टॉलरेंस से समझते क्या है, नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है इम्यून टॉलरेंस का वो क्या है, किसी भी इंडिविजुअल्स की बॉडी में इम्यून टॉलरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या उसका मीन होता है, ये आपको यहाँ पे मैंने लाइंस स्पेस कर दिए हैं। आप चाहें तो इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसको राइटअप करके देख सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं, तो इन हेडिंग्स में आप डाल करके अपनी कॉपी पे आप लिख करके देखिए कि आप कितना लिख पाते हैं। होपफुली कि आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा हुआ है और अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा इम्यून टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़ा ही जरूरी कॉन्सेप्ट है और किसी भी इंडिविजुअल्स में होना इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। नहीं होगा तो आपकी बॉडी हर चीज को क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी और आप मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूमरस जो कि अननेसेसरी होंगे उनके भी एंटीबॉडी और उनका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इम्यून टॉलरेंस का होना बहुत जरूरी है। तो पहला हेडिंग आपके पास रहेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यून टॉलरेंस। देन इसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यून टॉलरेंस। इम्यून टॉलरेंस को क्लासीफाई किया जाता है 2 तरीके से, जैसे आपका नर्वस सिस्टम क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल। सिमिलरली इम्यून टॉलरेंस को भी क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज द सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस, जिसमें आपको अब दिखाना होगा कि हाँ कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है। यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है आपको लिखने के लिए। एंड देन इसके बाद है पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, राइट, और आपको इसमें बताना होगा कि पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या इनका रोल होता है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, मतलब कि जब ये रेगुलेट होगा तभी ये रेगुलेट होगा या इंडिविजुअली ये रेगुलेट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें मेंशन करनी होगी। अगर यहाँ पे कोई रिलेशन आपको आपने पढ़ा है, कोई रिलेशन आपको फाउंड आउट किया है, तो आप उसको दिखाइए कि हाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही फाइनली रेगुलेट करेगा, पेरिफेरल इम्यून सिस्टम का इम्यून टॉलरेंस का क्या काम होता है, इसको आपको दिखाना रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाना, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यून टॉलरेंस, किसी भी इंडिविजुअल्स या पर्सन की बॉडी में इम्यून टॉलरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से वो उसके लिए बेनिफिशियल है, और जैसे ही आप इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे जो भी पॉइंट्स आप लिख पाएंगे, देन इसके बाद आप उसे जस्टिफाई कीजिए कि यस ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट्स ये स्टेटमेंट क्लियर है कि हाँ इम्यून टॉलरेंस
इंश्योरेंस का होना सही है, मीन्स बेनिफिशियल है इंडिविजुअल्स के लिए, ऐसा ऐसा इसी इस तरीके से हो सकता है, तो ये आपका जस्टिफिकेशन होगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए आपके 4 हेडिंग्स बनेंगे, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये 20 मार्क्स क्वेश्चन है, तो सारे जो हेडिंग्स होंगे वो लगभग 5 मार्क्स को क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे। आपको पहले बताना होगा कि मीन टॉलरेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देन आप बताएंगे यहाँ पे कि सेंट्रल इम्यून सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी 5 मार्क्स का हो जाएगा। देन इसके बाद आपको बताना होगा पेरिफेरल, तो ये भी आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें आप फिगर भी बना सकते हैं इम्यून सिस्टम, सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उनको अगर आप एक ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो फ्लो चार्ट भी आप बना करके दिखाइए यहाँ पे कि हाँ किस तरीके से आपका सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस जो है वो काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, पहले क्या आता है फिर क्या आता है, इस तरीके से अगर आप बना सकते हैं तो उसको बना करके अच्छे तरीके से इलाबोरेट किए, ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाए, राइट। सो 5 नंबर का ये हो जाएगा। देन इसके बाद आपका यहाँ पे होगा 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंस, दैट इज आपको बताना होगा। फिर इसके बाद आपका 5 मार्क्स का क्या होगा, जस्टिफिकेशन। तो इस तरीके से 5 मार्क्स का यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और आपको आसानी से जिस किसी भी पॉइंट पे अगर आपके स्टेटमेंट कंफर्म नहीं होंगे या अच्छे नहीं होंगे, उसमें मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, आप भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर प्रैक्टिस करने में टाइम ज़्यादा जाता है, राइटअप करें या स्टडी करें, राइटअप करें या स्टडी करें, ये सवाल बनता रहता है। सो डेफिनेटली अगर आपको अभी तक अगर आपका सिलेबस जो है वो कवर नहीं हो पाया है, तो पहले तो प्रायोरिटी आपकी ये है कि आपको उसको कवर करना है, बिकॉज अगर आप चीज़ें पढ़े रहेंगे तो फिर आपको लिखने में थोड़ी बहुत आसानी हो सकती है, राइट। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि अभी आपके माइंड की स्टेबिलिटी थोड़ी सी अनस्टेबल है, और आपका कोई भी चीज़ डेली बेसिस पे जितना ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपकी स्टडी आवर्स 5 घंटे 6 घंटे है, तो उसमें अगर आप 4 घंटे स्टडी करते हैं, तो 1-2 घंटे का राइटिंग सेक्शन को भी आप रखिए, उसे पूरी तरीके से जीरो मत कीजिए, कम लिखिए पर लिखते रहिए, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, लिखने का ही आपको वहाँ पे मार्क्स होगा, राइट। सो अपनी स्टडी फोकस करते रहिए, और प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को और अपने माइंड को मैनेज करते रहिए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस दे पाएं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ ऐसे ही मॉडल आंसर्स और मॉडल क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।